Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu. Again, एक बहुत अच्छी सी वीडियो क्वारंटाइन के टाइम में जब सभी लोग स्टे होम स्टे सेफ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सभी लोग ट्राई कर रहे हैं अपने घर से ही सारे काम जितने पॉसिबिली हम कर सकते हैं वो सब कर लें. तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी माइजम के कंसेप्ट के बारे में, आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम माइजम्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, माइजमैटिक प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स किन किन माइजम्स की कैटेगरी में आते हैं. तो चलिए जल्दी से बात करते हैं, फटाफट हम इस टॉपिक पर चलते हैं कि माइजम कितने तरह के होते हैं. माइजम्स मेन अगर हम कहें तो बेसिकली देर आर फोर टाइप ऑफ माइजम्स, जिसमें सबसे पहले और द मदर ऑफ ऑल माइजम है सोरा. यहाँ मैं लिख दूंगी PSORA. सोरा माइजम या सोरिक माइजम जो है वो मदर ऑफ ऑल माइजम है. ये फर्स्ट माइजम था जो डॉक्टर हैनिमन ने रिकग्नाइज किया. इस ये माइजम है. द नेक्स्ट वन इज द साइकोटिक माइजम और साइकोसिस. द थर्ड माइजम इज सिफिलिस एंड द फोर्थ माइजम इज ट्यूबरक्यूलर माइजम. ट्यूबरक्यूलर माइजम का कुछ ना कुछ हिंट आपको लास्ट मेरे वीडियो में लग ही गया होगा, बिकॉज मैंने ट्यूबरक्यूलर माइजम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपसे शेयर किया था. नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले सोरिक माइजम के बारे में. सोरा माइजम इट्स बेसिकली जो माइजम का कंसेप्ट है ना बहुत ज़्यादा वास्ट है. अगेन मैंने किसी भी तरह से बहुत इजी वे में समझने के लिए इसको कैटेगराइज किया है. कुछ एक की फीचर्स की पॉइंट्स दिए हैं जिससे कि आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं कि सोरा में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, साइकोसिस में क्या और सिफिलिस में क्या, देन ट्यूबरक्यूलर में क्या. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सोरा माइजम के बारे में तो सोरा माइजम को रिकग्नाइज करने का सबसे पहला तरीका है कि सोरा माइजम जो है उसका मतलब ही होता है इच. तो जिन भी कंडीशंस में, नॉट ऑलवेज कि जिन भी कंडीशंस में इचिंग हो रही है तो वो सोरा माइजम है, बट बेसिकली जो छोटे 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 बॉडी में दाने निकलते हैं वो खुद से जब सप्रेस हो जाते हैं या फिर बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन ऑइंटमेंट्स एंड मेडिकेशंस हम उनको सप्रेस कर लेते हैं वो सोरा माइजम है. तो सोरा माइजम इज बेसिकली छोटे छोटे वो दाने जिनमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है. नाउ अगेन यू कैन नॉट से कि सारे स्किन डिजीजेज जिनमें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है वो सोरा है, बट मोस्टली इच वाली जो भी है, मोस्टली जितने भी छोटे छोटे इरप्शंस होते हैं वो सारे छोटे छोटे इरप्शंस या तो खुद सप्रेस हो जाते हैं या फिर दे आर सप्रेस्ड बाय अस, वो सभी सोरा माइजम है. एंड सोरा माइजम इज द ओरिजिनेशन ऑफ ऑल द माइजम्स. तो कहीं ना कहीं सोरा माइजम हमें याद रखना है इच से एंड स्मॉल इरप्शन से. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सोरा माइजम में हर चीज़ की कमी, एक तरह से आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ की कमी मिल रही है तो वो सोरा माइजम है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स की तो स्किन से ही शुरू करते हैं. सोरा माइजम में स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा अनवॉश्ड, बहुत ही ज़्यादा अनक्लीन, गंदा, अनटाइडी, जो बहुत नहाना पसंद नहीं करता हो, इस तरह का जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इस तरह का स्किन है, जो इस तरह के पर्सन है, दे आर अंडर सोरा माइजम. नाउ अगर हम कहेंगे इसमें कमी किस चीज़ की है, यहाँ तो गंदगी है, यहाँ तो डर्ट है, यहाँ तो वो नहा नहीं रहा है, सो देर इज लैक. लैक ऑफ वॉट? लैक ऑफ सिक्रीशंस. जो हमारी बॉडी की स्किन से जो हमारे स्किन सेल्स सिक्रीशंस देते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, इट लूजेस इट्स मॉइस्टनेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिक्रीशंस. तो वो लैक है, वो जो कमी है वो सोरा माइजम है. इससे पहले मैंने आपसे कहा कि ड्राइनेस, ड्राइनेस अगेन, ड्राइनेस क्यों है? ड्राइनेस है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिक्रीशन. तो ड्राई है, अनवॉश्ड अपीयरेंस है स्किन का, स्किन बहुत गंदी है ना, वो नहा नहीं रहा है, तो लैक ऑफ सिक्रीशंस का क्या लेना देना? अगर आप कुछ दिनों तक नहीं नहाएंगे तो लैक ऑफ सिक्रीशंस क्या, सिक्रीशंस होंगे तो भी आप बहुत गंदे लगेंगे, वो सोरा माइजम कैसे है? किसी को अगर नहाना पसंद नहीं है तो मेंटली अगर हम देखें तो उसको पर्सनल हाइजीन का जो सेंस है वो ख़त्म है, वो बिल्कुल लैक है उसमें. वो जो पर्सनल हाइजीन का, साफ सफाई की जो एक सेंस होनी चाहिए वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, तो वो लैक है, तो इसलिए वो सोरा माइजम है. तो सोरा माइजम इज मोर लाइक कमी किसी चीज़ की, लैक अगर हो रहा है. सिमिलरली ड्राइनेस है अगर नेल्स का तो वो सोरा माइजम है. नेल्स से भी बहुत लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, बहुत सारे पहले से ही बहुत बड़े बड़े दिग्गज होम्योपैथी के जिन्हें कहेंगे वो नेल्स से भी कई बार माइजम रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो ड्राई नेल्स हैं बहुत पार्च्ड है, बिल्कुल सूखे हैं, वो उस तरह के नेल्स जो है वो सोरा माइजम शो करते हैं. सोरा माइजम में फिजिकली तो ड्राइनेस है स्किन पर, लैक ऑफ सिक्रीशंस है, नेल्स बिल्कुल ड्राई हैं. और हम क्या देख सकते हैं सोरा माइजम में? ये सारे डिसीजेज हैं जिनमें छोटी 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 इरप्शंस हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, जिनमें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है.
अगर हम सोरा माइजम की बात करें तो उसको मेंटली हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, बिकॉज माइजम का जो माइजमैटिक प्रेस्क्रिप्शन है अगेन हमारी टोटालिटी की तरह सिर्फ फिजिकल फीचर्स पे नहीं किया जा सकता, उसके लिए अगेन मेंटल सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटली किस तरह की पर्सनैलिटी आपके पास आएगी कि आप कहेंगे सोरिक माइजम है, उसमें अगेन लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन का सेंस है, अगर उसकी कमी है तो सोरिक माइजम हो गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी में लैक है इस सेंस की कि उसको कैसे रहना है, उसको अपनी बॉडी की क्लेनलीनेस कैसे रखनी है, उसको अपनी नेल्स की क्लेनलीनेस कैसे रखनी है, सोरिक माइजम फियर्स से बहुत ज़्यादा भरा होता है। फियर्स जितने भी आई थिंक जो भी हमारे जितने भी तरह के फियर्स हम सोच सकते हैं या हमने सुने होंगे वो सारे फियर्स जो हैं वो सोरिक माइजम में आते हैं। व्हाई सोरा इज़ सो मच फियरफुल, क्यों इतना ज़्यादा डर है सोरिक माइजम के अंदर, ये इसलिए है जिन भी लोगों में करेज की कमी होगी, जिन भी लोगों में वो डरते बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उनमें वो करेज की, वो हिम्मत की कमी है, तो इसलिए वो डरते ज़्यादा हैं। तो किस चीज़ की कमी है, करेज की कमी है तो फियर है, तो वो उसमें भी अगेन कमी है तो वो सोरा माइजम हो गया कि उसमें एक चीज़ की कमी है, आप में करेज की कमी है तो आप फियरफुल फील कर रहे हैं, वो सोरा माइजम है। सारे ही फियर्स ऑलमोस्ट सोरा माइजम के अंदर आते हैं। एंजाइटी होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि जब भी डरे होते हैं तो अपने आप एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। मेंटल जो रेस्टलेसनेस है, मेंटली जो बेचैनी होती है वो आती है सोरा माइजम के अंदर। मेंटली जो भी लोग रेस्टलेस बहुत ज़्यादा होते हैं वो सोरा माइजम के अंदर आते हैं, फुल ऑफ फियर्स होते हैं वो सोरा माइजम का एक पार्ट है। तो मेजॉरिटी में जो भी आपको लगता है वेटफुल है, जिसका भी वजन ज़्यादा है, जो सारे सिम्टम्स एक पर्टिकुलर माइजम ज़्यादा वेटेज ले रहा है जिस चीज़ का, वो एक बॉडी का माइजम बन जाता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ माइजम भी होता है, सोरा और कोई और माइजम है तो वो दोनों माइजम का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बट अगर आप मोस्टली देखें कि एक पर्सन के अंदर ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो सोरा माइजम के हैं, तो वो पर्सनैलिटी सोरिक माइजम आती है, उसकी टोटालिटी सोरा हो जाएगी। नाउ इस तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास बहुत सारे बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लाइक बहुत अच्छे आइडियाज़ रखते हैं, सोच बहुत अच्छी रखते हैं, बहुत डीप इन सोचते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, जब उनको शो करने की बारी आती है, या अपने आइडियाज़ एक अच्छे समय पे वो अपॉर्चुनिटी लेकर उसको रखने की टाइम आती है, तो वो उस समय पे वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वो सोरा माइजम होते हैं। कि मतलब कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं उनके पास, बहुत कुछ है सोचने के लिए, बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, लेकिन लैक ऑफ दैट सेंस कि इनको इस समय पे ये एग्जीक्यूट करना है, तो उस चीज़ की कमी अगेन वो सोरा माइजम है। तो सोरा माइजम कहीं ना कहीं आप लैक ऑफ सिक्रीशन, कमियों से आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर आप में करेज की कमी है तो आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जो सोरा माइजम है। और सोरा माइजम में आपको स्किन भी मैंने बता दी है, आपको नेल्स भी बता दी हैं, आप फिजिकली भी देख कर जान सकते हैं कि सोरा माइजम कैसा होगा। अब अगर बात करते हैं साइकोसिस माइजम की, जो सेकेंड नंबर पर आता है, जैसे कि सोरा में कमियाँ होती हैं, साइकोसिस में हर चीज़ बढ़ी हुई होती है, हर चीज़ हाइपर, हर चीज़ एक्सेस, मतलब अगर आपको बॉडी पर भी कोई चीज़ हो रही है वो भी बहुत एक्सेस। तो इसीलिए अगर हम फिजिकली देखें साइकोसिस माइजम को, तो फिजिकल लेवल पर जितनी भी ग्रोथ्स अगर हमारे बॉडी पर हो रहे हैं, ट्यूमर्स हो रहे हैं, जिनको सिस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिनको वॉट्स मस्से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ग्रोथ हर जगह कोई भी चीज़ छोटा सा हुआ वो एकदम डेवलप होके पूरा ग्रोथ, एक एक्सटर्नल पूरा ग्रोथ बन जाता है, एक एनलार्जमेंट बन जाता है, वो हाइपर है। बॉडी के अंदर भी कहीं पर कोई छोटी सी चीज़ हुई और थोड़े दिन बाद देखा तो वो एक पर्टिकुलर सिस्ट बन गया, वहाँ पे एक पूरा बॉल जैसा बन गया, स्टोन फॉर्मेशन हो गया। तो जहाँ एक्सेसेस होते हैं, जहाँ ग्रोथ्स होती है, जहाँ हर चीज़ हाइपर होती है, वो सारी चीज़ें साइकोसिस माइजम में आती है। साइकोसिस माइजम में फिजिकली तो आपने देख लिया कि फिजिकली अगर वॉट्स का केस है, सिस्ट का केस है, ट्यूमर का केस है, तो आपको साइकोसिस माइजम पता चल जाएगा। साइकोसिस माइजम अगेन एक और चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इनकोऑर्डिनेशन मेंटली भी फिजिकली भी, क्योंकि बॉडी सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, उनका जो डेथ हो रही है जिन सेल्स की और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके साथ कोई तालमेल नहीं होता, इनकोऑर्डिनेशन होता जाता है, तो वो इनकोऑर्डिनेशन साइकोसिस माइजम बताता है। तो मेंटली भी जिन भी लोगों में इनकोऑर्डिनेशन है, फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही साइकोसिस माइजम पर आ जाते हैं, जहाँ एक्सेसेस हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकोऑर्डिनेशन है। तो अगर मैं बात करूँ साइकोसिस माइजम में अगर हाइपर है
तो बॉडी सिक्रीशंस कैसे होंगे? बॉडी के जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, स्किन सेल्स हैं, वो ग्लैंड्स जो बहुत ज़्यादा सिक्रीशन करेंगे तो स्किन कैसी होगी? बहुत ज़्यादा ग्रीसी, बहुत ज़्यादा ऑयली, वैक्सी, क्योंकि उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस होंगे, हर समय बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस रहेंगे, तो स्किन इस तरह की होगी। स्किन पर मस्से बहुत ज़्यादा होंगे, स्किन पर मस्से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सिस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ट्यूमर्स की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इडीमा वगैरह जो होता है, जो कि जैसे कि एपिस मेलिफिका, जो मैंने वीडियो डाली थी एपिस मेलिफिका पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक बहुत वंडरफुल मेडिसिन है इडीमा के लिए। तो एपिस मेलिफिका साइकोसिस माइजम पर बेसिकली जो है एपिस मेलिफिका साइकोसिस माइजम शो करती है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक मेडिसिन की टोटैलिटी एपिस मेलिफिका बनती है, और अगर पेशेंट आपको इडीमा, पैरों में इडीमा है, आँखों के नीचे इडीमा है, किडनीज में इडीमा है, जहाँ पर भी कहीं भी एफ्यूजन हो रहा है, पानी भर रहा है, तो एपिस मेलिफिका और पेशेंट का माइजम साइकोसिस दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, और उस पेशेंट को जब ये मेडिसिन दी जाएगी तो उस पर बहुत ही अच्छे से काम करेगी। दिस इज़ हाउ वी प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। एक्सेसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो साइकोसिस माइजम में है, इनकोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इडीमा में, क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हाइपर वाला कंडीशन है, तो साइकोसिस हो गया, वॉर्ड्स जो हो गए। अब बहुत सारे लोग ये होता है कि जिनको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं, झाइयाँ हो रही हैं, छोटा सा भी कोई दाना होता है, वो जब दाना था इट वॉज सोरिक माइजम एंड देन वो हील हो गया, उसके बाद सिर्फ एक ब्लैक स्पॉट है जो वहाँ पर रह गया है, दैट इज साइकोटिक माइजम, क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन, वर्ड ही कह रहा है हाइपर पिगमेंटेशन। जो मेलानिन सेल्स हैं, वो मेलानिन नाम का एक पिगमेंट, मेलानोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, मेलानिन नाम का एक पिगमेंट जो है रिलीज करते हैं, तो वो पिगमेंट जो है जब बहुत ज़्यादा मेलानिन सिक्रीट कर रहा है तो हाइपर वाला स्टेट है, इनकोऑर्डिनेशन वाला स्टेट है, तो उसे हम साइकोसिस माइजम कहेंगे। अब मेंटली अगर हम चले साइकोसिस वाला, जब मैंने कहा कि बॉडीली तो उनमें इनकोऑर्डिनेशन होता है ना, मेंटली इनकोऑर्डिनेशन कैसा हो सकता है किसी एक पर्सनैलिटी में? इफ वी गो बाय साइकोसिस माइजम, इनकोऑर्डिनेशन मेंटली इज द वे की जो पेशेंट है, हर चीज़ बहुत अति होती है उसके सोचने की। अगर उसमें एक भाव है जेलसी का, तो वो भाव जेलसी का भी बहुत एक्सेस होगा, बहुत ज़्यादा हद तक एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना। कोई शक्की है तो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, बहुत ज़्यादा ही शक्की है, बहुत ज़्यादा ही जेलस है, तो कोई एक इमोशन जो एक एवरेज लेवल पर होना चाहिए वो एक एवरेज सिचुएशन पर नहीं रहता है। साइकोसिस माइजम इज मोर देन दैट, एक्सेसेस ऑफ जेलसी, एक्सेसेस ऑफ योर इनकोऑर्डिनेशन, एक्सेसेस ऑफ योर सस्पिशियसनेस, शक बहुत ज़्यादा करना, तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सेसेस में आती हैं और वो साइकोसिस माइजम में आती है। अगर हाइपर, जो सोरा माइजम में हमने पढ़ा था कि वो बिल्कुल अपने आप को साफ नहीं रखता, क्योंकि उसमें वो जो सेंस है पर्सनल हाइजीन की वो बिल्कुल ख़त्म है, साइकोसिस बिल्कुल ऑपोजिट है हाइपर, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ रखता है। फास्टीडियसनेस, फास्टीडियसनेस मतलब कि हर चीज़ बिल्कुल टाइम पर, बिल्कुल एक्यूरेट, हर चीज़ बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। तो अगर हम कहीं जो कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें किसी को क्लेनलीनेस का वो ऑब्सेशन होता है, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ अगर सीधी रखे तो इट शुड बी केप्ट लाइक दिस, उसको ऐसे नहीं ऐसे नहीं, अपनी पर्सनल हाइजीन को लेके वो बहुत ज़्यादा वरिड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, इस तरह की फास्टीडियस पर्सनैलिटीज़ जो भी होती हैं वो साइकोसिस माइजम में आती है, क्योंकि उनका जो पर्सनल हाइजीन का जो सेंस है वो हाइपर एक्टिवेटेड है। सो दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर अबव दैट, दे आर इन अ हाइपर कंडीशन। और अगर हम कहें कि साइकोसिस किस तरह की पर्सनैलिटी है, तो साइकोसिस अगर वॉर्ड्स, मस्से, ट्यूमर वाला कोई पेशेंट है, इडीमा वाला कोई पेशेंट है, एंड इनकोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूँ, इनकोऑर्डिनेशन कैसे बताएंगे किसी के दिमाग में कि इनकोऑर्डिनेशन वाली स्थिति चल रही है, जहाँ पर एक स्नीकी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो जाते हैं, जहाँ हर एक चीज़ जो है आप अबनॉर्मल रिकग्नाइज करते हैं, या फिर आपको मैं कहूँ इल्यूजन्स होने लगते हैं, हालूसिनेशंस होने लगते हैं, जो चीज़ है वो कुछ और दिख रही होती है, कहीं पर कोई चीज़ नहीं है वो फील हो रही होती है। बिकॉज अगर हम बात करें साइकोसिस माइजम की, तो जो सबसे बड़ी एंटी साइकोटिक मेडिसिन जो दी जाती है साइकोसिस माइजम को ख़त्म करने के लिए, एंटी साइकोटिक माइजम है थूजा। थूजा इज़ द वन मेडिसिन, और अगर थूजा के बारे में हम उसके मेंटल्स पढ़ेंगे तो अपने आप हमें क्लियर हो जाएगा कि साइकोटिक माइजम कैसा होता है। थूजा एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें थूजा की पूरी ड्रग पिक्चर पर हम लोग बात करेंगे लेटर ऑन।
अभी सिर्फ मैं इतना बता दूं कि थूजा में इस तरह से होता है, हालूसिनेशन होता है, पेशेंट को फील होता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि एग्जैक्टली होता नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह की पर्सनैलिटी साइकोसिस माइज़म में आती है, इसे मेंटल इनकोऑर्डिनेशन कहेंगे। सोरा माइज़म फिजिकली, उसे फिजिकली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, मेंटली जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस सॉरी मेंटली सोरा माइज़म बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, फियरफुल होता है। साइकोटिक माइज़म जो होता है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, बिकॉज हाइपर वाला स्टेज है ना, तो हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी करना, ये सब उनकी बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। नाउ वी क्विकली मूव ऑन टू द सिफिलिटिक माइज़म। सिफिलिस वर्ड ही कहता है अल्सरेशन, शैंकर्स, अल्सरेशन। तो जहाँ भी डिस्ट्रक्शन है, जहाँ पर भी कुछ भी डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, टूट रहा है, कट रहा है, अल्सर्स बन रहे हैं, वो सारी कंडीशन सिफिलिस में आती है। इसमें जो है डिस्ट्रक्शन है, डिसइंटीग्रेशन है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन जहाँ पर भी दिखेगा वो सिफिलिस माइज़म है। इवन जितने भी रिंग वॉर्म इन्फेक्शन होते हैं, जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं, जितने भी तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो सारे सिफिलिस हैं। सारे फंगल इन्फेक्शन में यू विल से कि भाई उसमें तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वो सोरा माइज़म होना चाहिए। बट इचिंग तो होती है, लेकिन वो छोटे छोटे इरप्शन नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, उसमें हमेशा आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इन्फेक्शन होते हैं, और इतनी ज़िद्दी डिसइंटीग्रेशन कॉज करने वाले इन्फेक्शन जो है वो सिफिलिस में आते हैं। दे आर वेरी स्टबर्न, दे आर वेरी डिसइंटीग्रेशन कॉजिंग टाइप ऑफ। तो उसमें वो स्किन के सिर्फ ऊपर की लेयर को अफेक्ट नहीं करते, वो अंदर तक डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं फंगल इन्फेक्शन। दैट इज़ आई फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो सिफिलिस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। पस फॉर्मेशन होती हैं, डिसइंटीग्रेशन, दिमाग में भी, मेंटली भी हम कहेंगे ना, हर चीज़ में तोड़ फोड़। एक डेंजर माइज़म जो होता है, रेड वाला साइन जो दिखाएंगे, रेड साइन, वो सिफिलिस माइज़म के लिए है। जो मर्डरर्स हैं, जेल में रहकर आए हैं, किसी का कत्ल किया है, बहुत क्रूएल होते हैं, बिल्कुल जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, वो सारे सिफिलिटिक माइज़म में आते हैं। इस तरह की मेंटल पर्सनैलिटीज़, इवन सुसाइड्स जो अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट मैं ये बताना भूल, कि सुसाइड्स अगर जो करते हैं उनमें भी उनको उनकी लाइफ के लिए जो प्यार होता है वो ख़त्म, डिस्ट्रॉयड होता है। तो अपनी लाइफ के लिए जो प्यार है वो ख़त्म है, दूसरों के लिए जो प्यार है वो ख़त्म है, सोसाइटी के लिए जो प्यार है वो ख़त्म है। तो सोसाइटीज़ में किसी और की इमोशंस से कनेक्शन जो जोड़ते हैं, वो जो प्यार है वो ख़त्म है, इसलिए वो किसी को भी मार पाते हैं, इवन वो खुद को भी मार पाते हैं इसी वजह से, क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिस्ट्रक्शन इन द माइंड ऑल्सो। सिफिलिस बड़ा ही भयानक टाइप ऑफ माइज़म होता है। इस तरह की पर्सनैलिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, लेकिन बॉयल्स, जहाँ भी पस बन रही है, जहाँ एब्सेस हो रहे हैं, जहाँ फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो सारे सिफिलिस माइज़म है। छोटे छोटे तौर से देखा जाए, मेंटली तो बहुत ही कम आपको इस तरह की पर्सनैलिटीज़ मिलेंगी, बट मिलेंगी तो आप फटाफट रिकग्नाइज़ कर जाओगे विदाउट एनी डाउट कि ये सिफिलिटिक माइज़म है। और एक और कंडीशन होती है जिसे हम विटिलिगो कहते हैं, जहाँ पे वाइट वाइट पैचेस आते हैं, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। तो जहाँ हाइपर पिगमेंटेशन साइकोसिस रिप्रेजेंट करता है, विटिलिगो जो है सिफिलिस रिप्रेजेंट करता है। क्यों? यहाँ पर तो लैक है, यहाँ पर तो वाइट हो रहा है, तो सोरा माइज़म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेलानिन पिगमेंट्स, जो मेलानोसाइट मैंने आपको बताया, जो सेल्स हैं जो हमारे पिगमेंट हमें हमारी स्किन को देते हैं, वो सेल्स डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, इसीलिए वहाँ पर वो वाइट पैच हो गए। देयर इज डिस्ट्रक्शन, सो विटिलिगो इज अ सिफिलिटिक माइज़म। अब हम फटाफट से बात करते हैं ट्यूबरकुलर माइज़म के बारे में। सारी तरह की एलर्जीज ट्यूबरकुलर माइज़म में आती हैं। एक्जिमा एट द बेंट ऑफ एल्बोज, आपकी एल्बो के बेंट पर यहाँ पर एक्जिमा हो रहा है, नीज़ के फोल्ड पर आपको एक्जिमा हो रहा है, इस तरह के एक्जिमा जो है वो ट्यूबरकुलर माइज़म में आता है। रेस्पिरेटरी इलनेस, ज़्यादातर एलर्जीज जो है, लॉन्ग टर्म एलर्जीज, वो सारी ट्यूबरकुलर माइज़म में आती है। ट्यूबरकुलर माइज़म ना इज़ मोर ऑफ हेमरेजिक, उसमें ब्लड वाली चीज़ें, आपकी वेन्स इन्वॉल्व होंगी और आपकी आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी। तो हेमरेजिक काइंड ऑफ जितनी भी डिजीज़ होती हैं वहाँ पर पीरियोडिसिटी जहाँ पर आपको मिलती है, जहाँ पर एलर्जीज आपको मिलती है, वो ट्यूबरकुलर माइज़म है। ट्यूबरकुलर माइज़म सोरा और सिफिलिस का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसे ट्यूबरकुलर माइज़म कहा जाता है, सोरा एंड सिफिलिस। सो सोरा एंड सिफिलिस से मिलाकर ट्यूबरकुलर माइज़म में एक डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, उसमें आपको एक ऑल्टरनेटिंग बिहेवियर्स मिलेंगे, मूडी लोग मिलेंगे, चेंजेबल एटीट्यूड होगा उनके, चेंजेबल बिहेवियर्स होंगे,
पीरियोडिसिटी मिलेगी आपको हर एक टाइम पीरियड पर. कोई 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 डिजीज़ अगर हो रही है वो ट्यूबरकुलर माइज़म है. बहुत ज़्यादा इनपेशेंट होते हैं एंड दे आर लाइक फियरलेस, दे आर फियरलेस. बिल्कुल उनके अंदर किसी तरह का डर नहीं होता ट्यूबरकुलर माइज़म में. तो एक्जिमा ट्यूबरकुलर माइज़म में आता है. वैरिकोस वेन्स एक कंडीशन होता है जहाँ पे पैरों की नीली नीली बहुत बड़ी बड़ी नसें दिखने लग जाती हैं ना. जो लोग बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं उनके पैरों की बहुत ज़्यादा नसें दिखने लग जाती हैं, इट्स ट्यूबरकुलर माइज़म. हिमेंजियोमास, ब्लड कलेक्शन, सर फूट जाता है या कहीं बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, नील पड़ जाती है, अंदर अंदर ब्लड ऊज करता रहता है लेकिन बाहर नहीं आता, नीला पड़ जाता है, वो सारी कंडीशंस या ये ट्यूबरकुलर माइज़म है. ट्यूबरकुलर माइज़म इज़ नॉट दैट मच वास्ट, लेकिन ट्यूबरकुलर माइज़म में ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं. आई थिंक आई हैव इन्वॉल्व एवरी थिंग विच आई हैव पर्सनली नोटेड डाउन फॉर यू गाइज. यस आई, यस वन मोर थिंग, डिप्रेशन इज अगेन अ सिफिलिस माइज़म. डिप्रेशन गैस, डिप्रेशन जहाँ पर आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, उससे आपका जो भाव है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, तो डिप्रेसिव फील करने लगते हैं, वो डिप्रेशन भी सिफिलिस माइज़म में आता है. नाउ आई हैव ऑलमोस्ट टोल्ड यू एवरीथिंग विच आई हैव नोटेड डाउन फॉर यू गाइज एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो माइज़म से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर 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 आंसर करूँगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट वेरी पेशेंटली. सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को एंड स्टे सेफ, स्टे होम. बाय बाय.